महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के बाद लोग किसी को नहीं देखते कि थर्ड पार्टी कौन सी है, तो थर्ड पार्टी कौन सी है जो बड़े चेहरे के रूप में नजर आ सकती है, और प्रधानमंत्री इस देश का कौन बन सकता है जो इस देश को एक सफल देश की तरफ लेके जाए? दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी में देश पिस रहा है जी। जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो हमारा इशारा थर्ड फ्रंट की तरफ होता है जी। हम केवल बीजेपी और कांग्रेस को न देखें बल्कि यूपी और एनडीए को देखें। यूपी और एनडीए के खिलाफ अगर कोई थर्ड फ्रंट खड़ा हो रहा है वो बहुजन फ्रंट है, जिसमें तमाम बहुजन समाज के संगठन आए हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो बहन जी का कुशल नेतृत्व पूरा देश देखा है और बहन जी से काबिल इस मुल्क में इस समय इस दौर में जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं कोई नहीं है। और इस बात को अखिलेश यादव जी भी माने, इस बात को बहुजन समाज के तमाम नेता माने हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी भी मान चुके हैं और यहाँ तक केजरीवाल तक का बयान आया हुआ है। तो फिर बहन जी एक फ्रंट है, बहन जी एक नेता है जिनके पास करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर नेशनल पार्टी है तो वो जाहिर तौर पर बहन जी उसके सबसे बड़ी उम्मीदवार माने जाएंगे।